सुभाष अंग से अंग लगाना। हाँ तो गाइस, सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है सिंपली। इसके बाद आपको यहाँ से एक प्रोजेक्ट को ले लेना है। इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप भाई लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप मैं इस प्रोजेक्ट को ले रहा हूँ, इस तरह आप भी प्रोजेक्ट को ले लीजिएगा। हाँ तो भाई, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा गाइस। सिंपली दो उंगलियों की मदद से इसको जूम कर लेना है इसे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब गाइज आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, रिप्लेस पर जाना है। अब आपको यहाँ से एक फ़ोटो को चूज कर लेना है, जिस भी फ़ोटो का आप वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं डेमो देने के लिए कुछ फ़ोटो को डाउनलोड करके रखा हूँ, वहीं पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। गाइज देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज दूसरे पर भी इस तरह फ़ोटो को ले लेंगे। अब गाइज इसी तरह तीसरे पर भी आपको फोटो को चुन लेना है। चलिए लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। जैसा गाइज ये मेरा आखिरी फोटो है, इसको भी मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। अब गाइज सिंपली जो हमारा फोटो रिप्लेस हो गया है, अब देखेंगे हमारा कौन सा वीडियो कौन सा फोटो रिप्लेस अथवा नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा सभी फोटो रिप्लेस हो गया है। अब गाइज सिंपली आपको देखना है कि मेरा कौन सा फोटो एडजस्टमेंट नहीं है। तो देख सकते हैं आप एक एक फ़ोटो को देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो कौन सा एडजस्टमेंट नहीं है। तो लगभग हमारा सभी फ़ोटो यहाँ पर एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, पैरेंट जूम पर जाकर रिप्लेस कर सकते हैं आप। उसके बाद गाइज आपको सिंपली बैक आ जाना है। इसके बाद गाइज सिंपली आपको बॉर्डर को लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए लेयर पर क्लिक कर देंगे, मीडिया पर जाएंगे और यहाँ से बॉर्डर को ले लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइज चलिए लगाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। जैसा कि मैंने बॉर्डर को ले लिया है, अब स्प्लिट स्क्रीन पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। ये मेरा बॉर्डर लग गया। अब गाइज यहाँ पर आ जाना है, इसको फुल वीडियो तक कर देना खींच कर। कुछ इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे और खींच कर इस तरह कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको सिंपली बैक आ जाना है। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको गाइज इस वीडियो को करना है सिंपली सेव। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को देख लीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।